हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बॉस गो जनरेशन 2 प्रोफेशनल कॉर्डलेस स्क्रूड्राइवर को, जो कि एज कम्पेयर टू जनरेशन 1 ज़्यादा एडवांस है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये लेने लायक है और क्या ये सच में अपग्रेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉस का ये स्क्रूड्राइवर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। ये बॉस का प्रोफेशनल कॉर्डलेस स्क्रूड्राइवर है। 3.6 वोल्ट की बैटरी है, 5 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम स्क्रू डायमीटर 5 mm तक आप जा सकते हो। 80% इसकी बैटरी 60 मिनट में हो जाती है। पुश एंड गो, पुश करके भी आप इस स्क्रूड्राइवर को ऑन कर सकते हो, जैसे कि जनरेशन 1 में होता था। कैसा ये स्क्रू ड्राइवर दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दो इंपैक्ट ड्राइवर भी आपको साथ में मिलते हैं। ये बॉस का गो वर्जन है, बॉस प्रोफेशनल गो जनरेशन 2। ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, अप्लाइंसेस, वुड वर्क के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर है। इसके साथ आपको कैरी केस, दो बिट्स PH1 और PH2 साथ में मिलती है, और एक USB केबल। कहाँ ये बना हुआ है? मलेशिया, आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। इसकी फिजिकल लेआउट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। 1/4 inch की हेक्सा बिट्स को ये सपोर्ट करता है। स्पिंडल लॉक मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, टॉर्क सिलेक्शन स्विच है, USB चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वोल्टेज है 3.6 वोल्ट, मैक्सिमम टॉर्क है 5 Nm की, स्पीड है 360 mph, बैटरी कैपेसिटी है 1.5 Ah की, मैक्सिमम स्क्रू डायमीटर है 5 mm का, चार्जिंग टाइम 80% 60 मिनट और 100% 90 मिनट्स, वेट है 0.31 kg, डायमेंशन 190x40 mm। तो ये है बॉक्स जिसमें ये स्क्रू ड्राइवर आता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पर है एक सिक्योरिटी सील, चलिए इसको काट देते हैं। बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा ये स्क्रू ड्राइवर, जो कि एक कैरिंग केस में डल के आता है। साथ में है सर्विस सेंटर डायरेक्टरी, वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल। तो ये है कैरी केस जो कि साथ में आता है। यहाँ पर है मेन ड्राइवर और दो PH1 और PH2 बिट, और डिब्बे में नीचे की साइड को है USB A2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल। चलिए अब इसकी लेआउट को देखते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके अंदर 1/4 inch की हेक्सा बिट्स लगती हैं कुछ इस टाइप की। ये इसका स्पिंडल हो गया। यहाँ पर आपको टॉर्क एडजस्टमेंट के लिए डायल मिल जाएगा, जो कि आई थिंक 5 सेटिंग में जा सकता है। सबसे लो, सेकंड, थर्ड, 4, 5, उसके बाद स्मूथली अप टू मैक्सिमम। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्क्रू डायमीटर, स्क्रू साइज, कितना आप ड्राइव करना चाहते हो, आप टॉर्क को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। रबराइज प्लास्टिक का आपको ये पूरा स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। बॉस लिखा हुआ है, बॉस का लोगो है। ऑन ऑफ का बटन है। फॉरवर्ड रिवर्स के लिए स्विच दिया गया है। यहाँ पर एक इंडिकेटिंग लाइट है जो कि इस समय ब्लिंक कर रही है, मतलब कि इसकी बैटरी इस समय ख़त्म हो रही है। यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है जो कि इस समय अनकवर है, जबकि अगर मैं पुराने वर्जन की बात करूँ तो ये सील्ड था। यहाँ पर थ्रेड के लिए होल दिया गया है। ये बॉस का गो वर्जन है। मॉडल आप पढ़ लीजिए, कहाँ ये बना हुआ है, किन किन को सर्टिफाइड करता है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये है बॉस का गो जनरेशन 2 स्क्रू ड्राइवर। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसे तो अब ये ड्राइव नहीं कर पा रहा और जो गियर है वो स्लिप कर रहे हैं, तो मुझे टॉर्क को बढ़ाना होगा, मैक्सिमम पर करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो गियर है वो स्लिप करने लग जा रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो गियर स्लिप कर रहे हैं जो कि स्क्रू को डेफिनेटली परफेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जनरेशन वन से तो डिज़ाइन लुक में दिखने में वैसे ही है, बस डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा है और भारी भी है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली अपग्रेड है। इस बार जो टॉर्क एडजस्टमेंट है वो मैकेनिकल है, जबकि प्रीवियस में इलेक्ट्रॉनिक था जो कि एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, तो ये ज़्यादा रिलायबल है। इस बार इन्होंने एक बटन भी दे रखा है जिसके थ्रू आप इसको बिगर पुश के भी डायरेक्टली ऑन कर सकते थे, जबकि प्रीवियस जनरेशन में आपको प्रेस करना ही पड़ता था। अगर आप प्रेस करोगे टिप को या फिर बिट को तभी ये ड्राइव होता था। आप सभी ने देखा एज कंपेयर टू जनरेशन वन ये ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एडजस्टमेंट, तो मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्क्रू ड्राइवर कैसा लगा। अगर आप इस स्क्रू ड्राइवर को लेना चाहते हो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। जाने से पहले मैं इसकी प्राइसिंग पर डिस्कस कर लेता हूं। अमेजन पर कभी ये 2700 रुपये का आ जाता है, कभी 3105 का, मतलब कि 3150 रुपये का। और अगर आप लोकल मार्केट में ढूंढोगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट डीलर या फिर होलसेलर ये आपको 2600 से लेके 3000 रुपये में कहीं पर भी मिल सकता है। तो कैसा लगा ये आपको स्क्रू ड्राइवर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस स्क्रू ड्राइवर को लेके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है लाइक बनता है, शेयर भी करना ताकि और लोग भी इस स्क्रू ड्राइवर के बारे में जान पाए। नमस्कार।